सेंट्रल किसका केंद्र होता है? बुद्धिमत्ता, चेतना शक्ति और इसमें शक्ति, मेमोरी, कॉन्शियसनेस और इंटेलिजेंसी का केंद्र या सेंटर कौन होता है? तो क्या बताएंगे, क्या होता है? सेरिब्रम होता है, होता है कि नहीं होता? फिर मैंने आपको क्या बताया है, फिर मैंने आपको क्या बताया है कि डाइएन्सेफेलॉन वाले भाग में ही क्या पाई जाती है? पीनियल और पीयूष ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि पाई जाती है? पीनियल और पीयूष ग्रंथि। पिट्यूटरी ग्लैंड और पीनियल ग्लैंड कहां पाई जाती है? और डाइएन्सेफेलॉन के कितने भाग हैं? दो। कौन कौन से? थैलेमस और हाइपोथैलेमस। कौन से हैं? थैलेमस और हाइपोथैलेमस। थैलेमस का कार्य क्या होता है? दर्द, ठंडा और गर्म को पहचानना। और हाइपोथैलेमस का कार्य क्या होता है? अनैच्छिक क्रियाओं जैसे प्यार, घृणा, भूख, प्यास, पसीना, इन सब का केंद्र वास्तव में क्या होता है? हाइपोथैलेमस। और मध्य मस्तिष्क के कितने भाग हैं? तो क्या बताएंगे? दो, सॉरी चार बिंदुओं से मिलकर क्या बना है? मध्य मस्तिष्क। दो आगे के क्या काम करते हैं? देखने का और पीछे के सुनने का। और फिर मैंने बताया पश्चिम मस्तिष्क के कितने भाग हैं? दो। कौन कौन से? सेरिबेलम और डाई सॉरी मेडुला ब्लांकेटा। सेरिबेलम का कार्य क्या होता है? शरीर को संतुलित बनाए रखना। हृदय केंद्र और श्वसन केंद्र कहाँ स्थित होते हैं? कहाँ स्थित होते हैं? मेडुला ब्लांकेटा में, है ना। उगलना और निगलना कहाँ से नियंत्रित होता है? और इसी मेडुला ब्लांकेटा से एक सर्पिलाकार संरचना जुड़ी होती है जिसका नाम क्या होता है? स्पाइनल कॉर्ड। और उसका काम क्या होता है? रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन का मतलब क्या होता है? हाँ, जैसे मैंने आपकी आंखों के सामने हाथ ऐसे किया, तुरंत क्या हुआ? पलक आपकी झपक गई। अभी यहाँ पर हम क्या करें कि बढ़िया से थोड़ा बहुत भूख लग गई होगी आप लोगों को, नहीं लग गई? लग गई ना। अभी क्या करें? दही, जलेबी, पानी की बतासे, टिक्की, मोमोज, खस्ता, पिज्जा ला करके रख दे, समोसा भी, चलो ठीक है, रसगुल्ला भी ला के रख दे, और आपको देना सिर्फ रखा रहे, तुरंत क्या होगा? सबके अंदर सलाइवा का सेक्रेशन शुरू हो जाएगा, मतलब लार निकलना शुरू हो जाएगा। कुछ लोग तो घूंटते रहेंगे,